हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑल न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्कोडा कुशाक के वाइपर कंट्रोल्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक जर्मन ब्रांड है स्कोडा, एंड इसके वाइपर कंट्रोल्स आते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो इतने सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये भी दे रखे हैं एंड ऊपर एक बटन भी दे रखा है, तो इसका क्या यूज़ होता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस समय जो अपनी ऑफ पोजीशन पे लीवर सेट होता है, ये होता है अपना सेकंड फ्रॉम द बॉटम। तो इसके नीचे आप देख पा रहे हैं 1x लिखा है, INT लिखा है। INT मीन्स इंटरमीडिएंट, लो है एंड फिर हाई है। तो आइए, इस समय बारिश तो हो नहीं रही है, तो हम लोग आर्टिफिशियल रेन करा के देखते हैं क्या इसके कंट्रोल्स होते हैं। तो इसको अगर मैं एक बार नीचे करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं वाइपर सिर्फ एक बार चल के अपने आप बंद हो जाता है, और ये स्टॉक लीवर भी अपने आप ऊपर आ जाता है, ये एकदम सेट नहीं रहता है। अब अगर हम इसको एक बार ऊपर कर दें, दो बार हो गया लग रहा है ऊपर, अगर हम इसको एक बार ऊपर कर दें तो ये आ जाता है भाई अपना इंटरमीडिएट पोजीशन पे। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस वाइपर नहीं चल रहा है। अब ये जो ऊपर के कंट्रोल्स होते हैं, ये होते हैं अपने इंटरमीडिएट के लिए। तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये बटन अपना लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब सेंसिटिविटी एकदम कम है। तो ये चीज़ काम आती है अपना एकदम कम बारिश में, जब बारिश हो रही है बूंदाबांदी, तो ये अपना आप देख पा रहे हैं 10-15 सेकंड में चलता है। अब अगर मैं इस बटन को थोड़ा सा कर दूं राइट पे सेकंड पोजीशन पे, तो वाइपर्स के चलने के बीच का इंटरवल हो जाएगा थोड़ा कम। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 15 सेकंड ले रहा था, तो यहाँ पे अपना 12 सेकंड के आसपास या 10 सेकंड के आसपास हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको अगर थर्ड पे कर दूं तो इनका गैप और कम हो जाएगा। तो इस समय अपना थर्ड पोजीशन पे है वाइपर, इस समय भी अंदाजा आप देख पा रहे हैं 7-8 सेकंड ले रहा है। अब अगर इसको मैं एकदम फोर्थ पे कर दूं तो आप देख पा रहे हैं इसका गैप अंदाजा 5 सेकंड के आसपास आ जाएगा। अब अगर हम इसको और ऊपर कर दें लो पे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये चलता ही जा रहा है, बट लो स्पीड में कंटिन्यूस मूवमेंट आ जाएगा। अब अगर इसको मैं और ऊपर कर दूं तो ये है एकदम हाईएस्ट स्पीड इसकी, तो ये इस पर बहुत ही तेज मूवमेंट होता है इसका। तो एक बार अगर मैं समराइज करूं, तो इनिशियली लीवर होता है अपना ऑफ पोजीशन पे, एक बार आप इसको नीचे करेंगे तो वाइपर सिर्फ एक बार चलेगा। आप अगर इसको ऊपर कर देंगे तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे सेट हो जाएगा, एंड ये जो ऊपर बटन दे रखा है ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे ही वर्क करता है। तो ये बताती हैं इसकी सेंसिटिविटी, यहाँ पे 4 सेंसिटिविटी दे रखी हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा राइट पोजीशन पे कर देंगे तो वाइपर के चलने का गैप थोड़ा कम हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं लगभग 5 सेकंड में ये चलता जा रहा है। अब अगर मैं इसको सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे कर दूँ तो लगभग 15 सेकंड के आसपास ये वर्क करता है, एंड ऊपर अगर कर दें इसको तो ये लो पे हो जाता है, और ऊपर कर दें तो एकदम हाई पे हो जाता है। तो अब अगर बात करें कि जो इस पे वॉशर फ्लूइड दे रखा होता है वो कैसे वर्क करता है, तो लीवर को आपको अपनी तरफ खींचना है। जैसे आप पुश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं स्प्रे आ रहा है, एंड वाइपर्स ऑटोमेटिकली उस स्प्रे को क्लीन कर देते हैं। अब अगर रियर वाइपर की बात करें, तो जैसे आपने अपनी तरफ पुश करा तो ये आगे वाले विंडस्क्रीन का वॉशर फ्लूइड ऑन होता है, एंड अगर आप इसको पीछे की तरफ पुश कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं ऑफ से अगर आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये रियर वाइपर ऑन हो जाएगा, एंड एक बार और पीछे पुश कर देंगे तो ये रियर वाइपर का फ्लूइड भी ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। तो अब करता हूँ मैं इसको एक बार पीछे की तरफ पुश, और आप देख पा रहे हैं रियर वाइपर अपना ऑन हो गया है। कंटिन्यूस मूवमेंट तो नहीं आ रहा है, बट मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड रुक के चलता है, एंड अगर इसको एक बार और पीछे कर देंगे तो इसका वॉशर फ्लूइड भी ऑन हो जाता है। ये आज तक मैंने यूज़ नहीं किया है, अभी देखता हूँ पानी बंद हो जाए एक बार। तो अब देखते हैं इसको वाइपर ऑन करके। तो आप देख पा रहे हैं फ्लूइड भी इसका ऑन हो रहा है दोबारा इसको पुश करने पे पीछे की तरफ। तो भाई यही है इसके वाइपर कंट्रोल्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।